और जगह के तीर्थ करने के पश्चात उनसे एक संत ने कहा कि बेटा जैसे आधुनिक युग है, तुम गोवा जाने की इस उम्र में गया रहे हो। भक्ति तो मेरी कम मांगते हैं लोग, जब आंखें दिखना बंद कर दी, कान सुनना बंद कर दी, दादा टूट जाते हैं, कमर तीन जगह से टेढ़ी हो जाते हैं। और तू इसी अल्प आयु में कुमार अवस्था में मेरी भक्ति मांग ली? बोले हां भैया। क्यों? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। पता नहीं जब प्राणों के प्रयाण का समय आए और कंठ से घुर घुर शब्द आने लगते हैं, जब प्राण निकलते हैं, तो उस समय उपदेश किया है, उस उपदेश को हमें करना चाहिए। व्यास जी का ऐसा चरित्र कि व्यास जी ने अनेकों ग्रंथों की रचना की। सूर्य जी ने प्रश्न किया कि व्यास जी कौन है? बोले व्यास जी नारायण के पुत्र हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र हैं, वशिष्ठ वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। भगवान के 14 अवतारों में एक अवतार है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी ने चार चार वेदों की रचना की, छह शास्त्र की रचना की, 18 पुराण की रचना की। परंतु जिस समाज के कल्याण के लिए उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की, समाज के लोग केवल खाने पीने सोने में ही संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर लिया। बड़ा उद्वेग हुआ, सोचा कि मैंने इस समाज के लिए कुछ किया नहीं, चिंता में पड़ गए। सो नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा कि महर्षि आपने जिन शास्त्रों की रचना की वो शास्त्र बड़े क्लिष्ट हैं। वर्धन्ते आयु विद्या यशोवर। यदि जीव अभिवादनशील है, अपने श्रेष्ठ जनों की घर में सेवा करता है, तो चार चीज उसे स्वतः मिल जाते हैं, आयु विद्या यश और बल। ये चार चीज स्वतः मिलती है। प्राय लोग कहते हैं गुरु जी बढ़िया वाला आशीर्वाद दीजिए। अरे जब चरण स्पर्श कर लिया तो स्वतः परमात्मा कह रहे हैं चार चीजें, आयु विद्या यश और बल, और कुछ चाहिए क्या? इसी में सभी सवाल है। परंतु आजकल तरीके बदल गया है, जैसा प्रणाम वैसा करना। पहले चरणों में दंडवत लेट करके प्रणाम होते थे तो सामने वाला भी व्यक्ति खूब उत्साह से हृदय गत आशीर्वाद देता था, फिर झुक करके प्रणाम होने लगे। अब तो दुरुएं से वो भी कितने दूर है, पैर छूने की तो बात दूर की बात है। एक दिन हम देख रहे थे पंडित जी को एक गुरु प्रणाम कर रहे थे, वो गाड़ी से इधर वो गाड़ी से इधर, गुरु प्रणाम ऐसा किए कि हमको लगा कहीं सा नहीं, पेटवा पे हलवित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है। और प्रत्येक डाली डाली पर जल देना शुरू किया तो डाली टूट जाएगी, पहुंच भी नहीं पाते आप। इसलिए संपूर्ण का जो मूल है वो मूल कौन है? मूल है नारायण, क्योंकि नारायण के ही नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की है। समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की रचना से है और ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि कमल से। इसलिए समस्त देवी देवताओं के जो मूल है वो मूल है नारायण, मूल है राम, मूल है कृष्ण। परंतु ध्यान रखें अपमान किसी का नहीं होना चाहिए,
परंतु निष्ठा एक में, निष्ठा एक में हो और सम्मान सभी का। उदाहरण से समझना चाहे तो बताएं, जैसे नवविवाहिता, नवविवाहिता का विवाह किसके साथ हुआ? पति के साथ। तो निष्ठा किसमें है? पति में। परंतु मान सम्मान पूरे परिवार